और लिंक डलवाना। देख जनवरी पेड ग्रुप में भी डालना है और सीएसटी के जितने ग्रुप बने थे ना मई वाले उस सारे ग्रुप में डालना। क्यों बेटे ये पानी किसका है? अफसाना बना के ए अंकित पानी पिलाना। थोड़ा है नहीं मिली तुमको? क्यों इसको तो मिल गई, अंकित को तो बैग भरा पड़ा उसका। गुजराती है ना, होशियार है ये। हो तो गुजराती है क्या? पर तो होशियार नहीं है ना। थूसना चालू हो गया क्या तुम्हारा? खाओ 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 खाओ। यस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर एप्लीकेशन इशू हो रहा है, एप्लीकेशन पे पढ़ाई नहीं रहा हूँ, यूट्यूब पे ले रहे हैं। यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। केम शो कस का है, क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो। क्या कर रहे हो बेटे? शी अंकित व्हाट इज दिस क्लास में? अच्छा फोन ले रहा था मैं कुछ और गंदी सोच है ऐसा। यस डे वन तू इतना सच दच के क्यों आई है बेटा? ऐसा एकदम प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहन के मंडे से आयुषी। यस हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। पेंसिल कहां गई मेरी? हाँ पेंसिल कहां है? मोदी सर जेब में लगे? चुप जाएगी बोलना इधर उधर यार। हाँ एक मिनट रुक जाओ। अरे आपके पास पेंसिल है क्या? जेब में पेंसिल आ गई थी क्या? पेंसिल जेब में आ गई क्या आपके? कहाँ पे कौन से फ्लोर पे हो? हाँ अंकित सेकंड फ्लोर पे जाना ना। ओके चलिए सभी लोग आ जाइए यहाँ पे। साहेबान कदरदान मेहरबान पान दान थूक दान और जिंदगी से परेशान और नन्ने मुन्ने मेरी जान। सर मेरा फर्स्ट ग्रुप है तो मुझे क्या टैक्स का लेक्चर करना पड़ेगा? यस बिल्कुल करना पड़ेगा जी। नहीं है मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हो तुमने बता दिया। अबे यस ओके वेलकम टू सीएस ना, वेलकम टू सीएस बिकॉज यू नो सीएस का जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव से, ठीक है ना? सर ऐसा मत करो, सीएसईटी क्लियर किए हैं, इतनी मेहनत किए हैं, 10-10 घंटे के मैराथन देखे हैं, है ना, उसके बाद क्लियर हुआ है और आप बोल रहे हो कि आपका एग्जीक्यूटिव का जर्नी आपसे स्टार्ट हुआ, हमको नहीं खेलना। देखो यार सीएस फील्ड की अगर मैं बात करूं तो सीएसडब्ल्यूटी एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल ये जो तीन स्टेज है उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, पहला तो नहीं बोलूंगा बट सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव। क्योंकि देखो ईटी के अगर आप सब्जेक्ट भी देखोगे ना तो उसमें ज्यादा कुछ खास नॉलेज वाइज कोई बात नहीं थी। जैसे अगर देखा जाए आपको तो एक लॉ को छोड़ दो तो बाकी बहुत हाँ। सो ईटी का सिलेबस बहुत एकदम छोटा सा था, क्यूट सा, स्वीट सा, है ना। जितना आपका ईटी के चारों सब्जेक्ट्स थे उतना मिला के आपका कंपनी लॉ अकेला है ना। सो वेलकम टू जंगल, आई मीन टू से वेलकम टू सीएस, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे दोस्तों। यार एक बात बताऊं मैं आपको, न्यू सिलेबस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपको मालूम ही है बट थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी चीजें बता देता हूं मैं आपको।
सी यार ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव की, टोटल मिला के हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट हैं यार? 7 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं भैया? 7 सब्जेक्ट्स हैं। और ये 7 सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं? 4। और मॉड्यूल 2 में टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं? 3। ऐसे टोटल मिला के आपके कितने सब्जेक्ट बनते हैं भैया? 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना? 7 सब्जेक्ट्स हैं। और बिलीव मी, आपका जितना पूरा ईटी का था उतना सिर्फ कंपनी लॉ है। जितना ईटी का पूरा मॉड्यूल आप कवर करोगे उतना ही कंपनी लॉ का मॉड्यूल बनेगा। सो अब यार देखो, 7 सब्जेक्ट्स हैं मॉड्यूल 1 में। जैसे कि आपको पता है मॉड्यूल 1 में आपको क्या है, जेएजीएल है, सीए एंड एफएम है, एसबीआईएल है और शी लॉ है। डबल आई कर दूं? डबल एल कर दूं? ओके। सो 4 सब्जेक्ट आपका आ गया, जेएजीएल आ गया, सीए मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अटेंड किया था, तीन तीन बार सर ने अभी आपको पढ़ाया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आशीष सर कितने बार पढ़ाते हैं, 1 बार या 3 बार? 3 बार है ना? आशीष सर 1 बार नहीं पढ़ाते, वो कितने बार पढ़ाते हैं भैया? 3 बार पढ़ाते हो, 4-5 बार हो जाते हैं। हाँ तो हाँ, अभी आप लोगों ने एफएम पढ़ा रहेगा, देन यस आप एसबीआई डबल एल पढ़ोगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वॉन्ट बेटा, आपका कंपनी लॉ। ये 4 सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए बेटा, तो अब आपके पेपर जो है वो थ्योरेटिकल है। कौन बनेगा करोड़पति वो आपने ईटी में खेल लिया। गर्लफ्रेंड का नाम ए से स्टार्ट होता है, ए को टिक कर दिया। बॉयफ्रेंड का नाम बी से आता है तो बी पे टिक कर दिया। तो अब वैसा नहीं है, अब आपके पेपर जो है वो कौन से होने वाले हैं? थ्योरेटिकल। लेकिन हाँ, जेआईजीएल, एसबीआईएल और कंपनी लॉ, ये 3 सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के एमसीक्यूज हैं? 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, है ना? हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 80 मार्क्स का आपका क्या है? थ्योरी है, डिस्क्रिप्टिव है। और एफएम, सीए एफएम में पूरा का पूरा 100 मार्क्स आपका कैसा है? डिस्क्रिप्टिव। यस और नो, पता है आप लोगों को ये? बहुत बढ़िया। मॉड्यूल 2 में आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 3। एक आपका है सिक्योरिटीज लॉ, दूसरा आपका इकोनॉमिक बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, और तीसरा आपका है भैया टैक्स। टैक्स साउंड्स लाइक फैक्स एंड फैक्स साउंड्स लाइक शट अप गंदे लोग। ओके, सो ऐसे टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं भैया आपके? 7 सब्जेक्ट है ना? और 7ों से प्यार मोहब्बत करनी पड़ेगी, है ना? 7ों से प्यार मोहब्बत करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरी जान पान की दुकान, वी ऑन आर स्टार्टिंग विद द वर्ड बेटा आपका सी लॉ। किसे स्टार्ट कर रहे हैं? सी लॉ। देखो भाई, बात ऐसी है, कंपनी सेक्रेटरी है ना, सीएस का कोर्स करने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप सीएस बन जाओगे तो एक तो मार्केट में ऐसा है कि भैया ये है ना कंपनी लॉ का बाप है, मतलब इसके पास कंपनी लॉ का एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज होगा। कौन सा नॉलेज होगा? एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। जब भी आप कंपनी लॉ की हम बात करें तो आपके पास किसका एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज होगा? सी लॉ का, आई एम सॉरी, सीएस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ का आपके पास क्या होगा? एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है? सो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इट्स वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। प्यारा तब होगा जब आप रोज रिविजन भी करोगे, रोज मेरे साथ रिवाइज भी करोगे, घर पे भी पढ़ोगे, तो बहुत प्यारा लगेगा। वरना वो फीलिंग आती है जग सुना सुना लाग, ठीक है ना? दिव्या मैं बताता हूं तेरे को बेटा, चले। सो लेट स्टार्ट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों किससे? कंपनी लॉ से। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। जब हम लोग बात करते हैं कंपनी लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट। पहले एक बार आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए, सब्जेक्ट को एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता हूं, देन विल स्टार्ट, है ना? सो कंपनी लॉ को आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जिसके अंदर टोटल मिला के कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है। और पार्ट 2 जिसके अंदर कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। तो टोटल मिला के कंपनी लॉ में आपके पास कितने चैप्टर है भाई साहब? हाँ, बोलने के लिए 19 है, बट अगर अंदर सब टॉपिक ऐड करोगे ना, अंदर सब टॉपिक वगैरह ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएंगे, है ना?
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 10.1, 10.2, तो ऐसा अंदर अंदर थोड़ा सा भूल भुलैया है बेटा, ठीक है ना। लव यू टू बोलो बच्चों को, लव यू 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। अच्छा उसके पहले जिन लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है, जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो, डू इट फास्ट, जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो ताकि हम पढ़ना आगे स्टार्ट करें, जल्दी से कर दो। जो नहीं करेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी, फिर देख लेना बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे। हाँ चलिए, सो कंपनी लॉ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, एज पर मॉड्यूल पार्ट ए विच कंसिस्ट कितने मार्क्स बेटा, 60 मार्क्स, एंड पार्ट बी वो कितने मार्क्स का आपका, 40 मार्क्स, है ना। सबसे पहले ना एक बहुत अच्छी चीज ये है, आप लोगों ने ईटी में देखा होगा कि यार सर पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन आया तो कुछ और ही। हाँ ऐसी फीलिंग आई हुई कि आपको कि पढ़ा तो कुछ और था, आया कुछ और मार्क्स कुछ और ही मिले हैं, है ना। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव में जो मॉड्यूल का बाइफर्केशन दिया हुआ है, जिस तरीके से मॉड्यूल को डिवाइड करके दिया हुआ है वैसे का वैसा ही पेपर आता है। जैसे मॉड्यूल को यहां पे कैसे डिवाइड किया गया है, 60, 40, तो आपका जो पेपर आएगा वो भी कैसे आएगा, 60 मार्क्स का पार्ट ए एंड 40 मार्क्स का पार्ट बी, करेक्ट है कि नहीं है। यस और नीरव बोलता है, नीरव वेटर बैठे बैठे कमेंट कर रहा है, बोले यू आर द बेस्ट फैकल्टी, थैंक यू सो मच बाबू। बेटा इतनी तारीफ नहीं करना, मैं पप्पी पप्पी दे देता हूँ बेटा, है ना, क्या है मेरे से सहन नहीं होती फिर इतनी तारीफ, मैं फिर गीली पप्पी दे देता हूँ। हाँ विमल खा के वो भी। हाँ चले बोलो जुबा केसरी। हाँ चले सो सुनो सुनो चलिए ठीक है यार, ये सब ठीक है। चलो कंपनी लॉ की अगर हम बात करें, कंपनी लॉ क्यों बनाया गया, ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, एक बात बताना दोस्तों कि जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए ठीक है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है ये समझ लीजिए। अच्छा उसके पहले भी ये समझ लीजिए कि लॉ क्यों बनता है, क्या लॉ बनने के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है। लॉ ऐसे ही नहीं बनता भाई, ठीक है ना, लॉ ऐसे ही नहीं बनता भाई साहब। लॉ बनने के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट देना होता है या कुछ ना कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है। आज हमारे यहां पे ट्रैफिक लॉ बने हुए, क्यों बने हुए भाई, ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए हुए हैं? हाँ नहीं तो ये छोटी रेड सिग्नल देख के कूद पड़ेगी वहां पे, बोले मैं तो बच्ची हूं मेरे को थोड़ी लॉ फॉलो करना होता है, करेक्ट है। सो कहने का मतलब क्या है, ट्रैफिक ना हो, एक्सीडेंट ना हो, उससे बचने के लिए क्या बनाए हुए हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं, बराबर है। और अब ट्रैफिक रूल्स भी अभी हमारे क्या पुणे में जो रूल्स है वो थोड़े अलग है, पुणे के रूल्स ऐसे है ग्रीन है तो जाना ही है, येल्लो है तो इतने फास्ट जाना है कि रेड होने के पहले निकल जाए, और अगर रेड है तो इधर देखो, इफ नो मामा और मामी देन गो, है ना, कोई पुलिस वाला नहीं है तो भाग जाओ, ठीक है। और हम तो एक्टिंग भी इतनी भारी करते हैं ना, अगर पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया ना, हमने लिवाइस का जींस पहना हुआ है तो भी बोलते हैं साहब दो दिन से कुछ खाया नहीं हो, बहुत अर्जेंट में जाना है ना, इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है भैया, कहने का मतलब यह है कि लॉ बनता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। लॉ ऐसे नहीं बनाते चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, आइए लॉ बनाते हैं, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। लॉ बनाने के पीछे क्या होता है, रीजंस होते हैं। लॉ बनाने के पीछे क्या होते हैं भैया, रीजंस होते हैं, बिना रीजंस के लॉ बनता नहीं है। अब देखो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसा है, बात समझना। जैसे कंपनी के अंदर पैसा जो लगा होता है ना, कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है भैया, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। किसका पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का। आप सभी लोग जितने भी व्यक्ति यहां बैठते हैं और जितने भी व्यक्ति यहां पे ऑनलाइन है, सब लोगों को मैंने क्या बोला ना कि मेरे पास वो है, वो अरे टैलेंट क्या है, मेरे पास टैलेंट है, ठीक है ना। तुम्हारे पास वो नहीं है बट तुम्हारे पास दूसरा है, वो है, अरे ना मेरे पास टैलेंट है और आपके पास पैसा है। मेरे पास क्या है, टैलेंट है और आपके पास क्या है, पैसा। मेरे को धंधा करना आता है, बिजनेस करना आता है, मेरे को क्या करना आता है, बिजनेस। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैंने डिसाइड किया कि मैंने क्या करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ये प्रेस्टीज पॉइंट पे ना, प्रेस्टीज पॉइंट पे एक मोमो सेंटर में ओपन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, मोमोज, और मेरे हाथ के मोमोज खाके माय गुडनेस भैया ऐसे मोमोज बनाता हूं मैं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। छोटी फोन रख दे बेटा, इतना भारी मोमोज बनाता हूं मैं, इतना खतरनाक मोमोज बनाता हूं कि क्या बोलूं मैं। मतलब लोग सुबह शाम आफ्टरनून इवनिंग सब मोमोज ही मोमोज खाते हैं भाई। तो मैंने सोचा मैंने बिजनेस करना है, मैंने क्या करना है भैया, बिजनेस करना है। मेरे पास वो है क्या, टैलेंट।
हाँ मेरे पास वो है, बोलो क्या टैलेंट। अच्छा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं भैया, देखो यार भगवान ने मुंह क्यों दिया हमें बोलने के लिए, है ना, तो रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल भी ऐसे एकदम पैसिव बन के नहीं बैठना है, एकदम एक्टिव बन के बैठना है। मैंने पूछा गाय के कितने पैर होते हैं, आपने बोला 5, तो भी चलेगा, लेकिन बोलो। अगर आप चुपचाप से ऐसे बैठे रहे ना, मैंने कुत्ता बन के काट लेना तुमको, है ना। ये तो कैसे बैठा देखो, शुरू किया जाए और मैं भी आ रहा हूं, साले। सो ये तो एकदम मतलब मुझे वाली पोजीशन में बैठा है ना? क्या वो काम मेरा है बट वो अभी इधर का नहीं है, वो काम मेरा 8 बजे के बाद का है, ठीक है ना। मेरे बैग में लड़कियों के कपड़े रहते हैं तो मैं अपना काम रात को वो चालू करता हूं मैं, मतलब ए भाई गलत बोल दिया। चलिए ठीक है, सुनिए दोस्तों, मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है भैया, बिजनेस करना है। और आप सब लोगों के पास है ना बहुत पैसा पड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को बुलाया कि मम्मी वाला सुनो यार, देखो आप लोग मुझे पैसा दो, मैं उस पैसों से बिजनेस करूंगा, और बिजनेस करके जो रिटर्न आएगा ना, उस रिटर्न को आपको मैं क्या करूंगा, लौटा दूंगा। यस और नो? तो मुझे बताइए, मैंने कंपनी बनानी तो कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? मैंने कंपनी बनाई, कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का, आप सब लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब आप सब लोगों ने अपने, आप लोगों ने पैसा मेरे को दिया, आप सब लोगों ने पैसा मेरे को दिया, बोले सर आप बिजनेस करो, बढ़िया से बिजनेस करो, मोमोज बेचो और बेच बेच के पैसा कमाओ, और उसका हिस्सा पता है ना पब्लिक को, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? क्या मिलता है भैया? डिविडेंड। अच्छा मैंने आप लोगों से पैसा लिया, सर नए बच्चों को बोल दो हेडफोन लगा दें। देखो हेडफोन इसलिए जरूरी है कि बेटर क्वालिटी आती है, मतलब क्वालिटी अच्छी आती है। अगर आप सुनोगे हेडफोन लगा के तो आपको मजा आएगा सुनने में। फिर क्या, अगर आप लाउड स्पीकर पे सुनते हो ना तो डर का माहौल रहता है ना, तो हेडफोन जरूरी है। ओके हाँ, कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हैं जो टीवी पे लेक्चर देखते हैं, उनसे हमारी नम्र विनंती है कि ऐसा पाप ना करो, इसकी सजा लिखी हुई है गरुड़ पुराण में बेटा, है ना। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पैसा किसका लगा, बोलो ना, पब्लिक का। बोलना है तुमको मेरी कसम है, किस अरे गुस्से में क्यों बोलना है जी, हाँ किसका पैसा लगा हुआ है? पब्लिक का। आप सब लोगों ने मेरे को पैसा दिया, आप सब लोगों ने मेरे को पैसा दिया, बोले सर जाओ बिजनेस करो, सर जाओ बिजनेस करो। मैंने उस पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना था तो मैंने बिजनेस तो छोड़ दिया, मैं उस पैसों से वर्ल्ड टूर कर रहा हूं, हाँ कभी स्विट्जरलैंड में दिख रहा हूं, कभी मालदीव्स में जा रहा हूं, कभी थाईलैंड में है ना वहां जा रहा हूं, कभी सिंगापुर जा रहा हूं, बढ़िया पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा हूं, कभी रशिया जा रहा हूं, नॉट रशियन, रशिया जा रहा हूं, पर्शिया भी ठीक है, दोनों चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये आपको चलेगा क्या? क्या ये आपको चलेगा क्या? आपने मुझे क्यों दिया पैसा? क्यों दिया? बिजनेस के लिए, और उस पैसों से मैं क्या कर रहा हूं? मज्जनू लाइफ, आग लगे बस्ती में, तेरा भाई मस्ती में, तो बस्ती का हस्ती नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो देखो यार, यहां पे देखा गया कि भाई जो पब्लिक जो कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर। पैसा किसने लगाया बताइए ना? शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। किसको प्रोटेक्शन देने के लिए? इनको मतलब किनको? शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि इनका पैसा कंपनी सही तरीके से यूज कर रही है, सही तरीके से जो बोला है वहीं पे पैसा लगा रही है। अगर आप पैसा बिजनेस करने के लिए ले रहे हो तो बिजनेस के लिए लग रहा है, अगर आप पैसा टेक्नोलॉजी के लिए ले रहे हो तो उसी के लिए लग रहा है। तो मैं बोलू, इन पर्पज के लिए हमने लॉ बना दिया, कानून बना दिया, और जिसका नाम का है कंपनीज एक्ट 2013। सो लॉ बनने का ऑब्जेक्ट होता है, रीजन होता है, कंपनी लॉ क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया कंपनी लॉ? जिन्होंने अभी भी लेक्चर को लाइक नहीं किया बेटा, देखना तुमको सुसु आएगी, तुम्हारी पेंट नहीं खुलेगी, देखना। हाँ हाँ, सब गिला हो जाएगा माहौल। हाँ बताइए, कंपनीज एक्ट 2013 आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी लॉ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें? शेयर होल्डर। याद रखना, कंपनी हमें किसके, कंपनी लॉ जो पढ़ना है वो किसके प्रोटेक्शन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है?
देखो कोई भी लॉ बनता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कंपनी लॉ का भी ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोटेक्शन देते हैं। किसको प्रोटेक्शन देते हैं? शेयर होल्डर को। किसको प्रोटेक्शन देते हैं? शेयर होल्डर। तो आप जब भी कोई लॉ में कोई प्रोविजन में अटक जाओ तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? शेयर होल्डर के पॉइंट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बोलो ना? शेयर होल्डर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बेटा? शेयर होल्डर। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। कुछ बेसिक क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, देखो बड़े और छोटे में कितना डिफरेंस है। अरे नालायक आदमी, बड़े और छोटे मतलब दोनों में डिफरेंस है क्या? है क्या? हाँ, ये एक्ट का मतलब क्या हो गया? बड़ा कानून। बड़ा अगर ए है तो इसका मतलब क्या हो गया? कानून। और छोटा एक्ट है मतलब छोटा ए है, छोटा कानून नहीं रे बेटा। एक्ट का मतलब क्या हो गया? यहां पे कृति, कृति बोलते ना काम, कि ये एक्ट करो, बोलते ना ये एक्ट करके आओ, ये एक्ट परफॉर्म करो, यस और नो। तो बड़े में और छोटे में बड़ा डिफरेंस है जी, बड़े ए और छोटे ए में बड़ा डिफरेंस है। देखो मतलब बड़े छोटे में कितना डिफरेंस आ सकता है? यस और नो, मतलब बहुत डिफरेंस आ सकता है। सो कहने का मतलब क्या है? अगर हम ए अगर बड़ा कैपिटल यूज कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट बेटा आपका? ये किसके बारे में बात की? कानून के बारे में बात की है। और छोटा ए हम लोग कर रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, एक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो कंपनीज एक्ट 2013, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये 2013। अच्छा आपने एक्ट बनने का प्रोसीजर तो आपको मोदी सर ने बताया ही होगा, नहीं बताया तो वो बताएंगे आपको, डोंट वरी, जेल में है। कि पहले सबसे पहले क्या बनता है मालूम? ड्राफ्ट बनता है, फिर ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन करके उसका क्या बनाया जाता है? बिल बनाया जाता है। बिल को फिर कहां लेके जाते हैं? पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। पार्लियामेंट मतलब दो, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में तीन चीजें होती है, सबसे पहले रीडिंग, फिर डिस्कशन और फिर वोटिंग। पहले तो लॉ को पढ़ा जाता है, वहां पे बिल को रीड किया जाता है, रीड करने के बाद उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, एंड डिस्कशन करने के बाद क्या होती है? वोटिंग। और जैसे ही पार्लियामेंट में वोट हुआ और मेजॉरिटी लोगों ने वोट कर दिया, दैट बिल बिकम्स द एक्ट। वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बनने के बाद हमें प्रेसिडेंट से क्या लेना पड़ता है? साइन लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट से क्या करना पड़ता है? साइन लेना पड़ता है। यस और नो, करेक्ट है कि नहीं है? प्रेसिडेंट का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? साइन लेना पड़ेगा। और फिर उसको नोटिफाई करना पड़ेगा इन ऑफिशियल गैजेट। कहां नोटिफाई करते हैं बोलो ना? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और फिर उसको दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिसिटी में, ताकि वो उस बिल को, उस एक्ट को अलग अलग जगह पब्लिश कर पाए। ये शॉर्ट प्रोसीजर है, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, ये आप जेआईजीएल में पढ़ोगे, मैं तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। सो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है बताइए? ड्राफ्ट बनता है। क्या बोलता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद डिस्कशन के बाद वो क्या बनेगा? बिल। बिल कहां पेश किया जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है, क्या? रीडिंग, डिस्कशन, वोटिंग। और ये करने के बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट को साइन करता है कौन? प्रेसिडेंट। फिर उसको पब्लिश करता है कहां पे? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये छोड़ दो लास्ट वाला, तब जाके वो एक्ट एप्लीकेबल होता है। तब जाके वो एक्ट क्या होता है? एप्लीकेबल। एकदम आराम से शिद्दत के साथ, एकदम मुंडी मिंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को महसूस होना चाहिए कि जिंदा हो आप। दैट्स ग्रेट। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ड्राफ्ट बनाया 2010 में, बिल बनाया 2011 में, पार्लियामेंट में लिखा 2011 में, वो एक्ट बन गया 2012 में, प्रेसिडेंट ने साइन की 2013 में, और एप्लीकेबल हुआ 2015 में। तो कोई भी एक्ट के आगे जो हम ये ईयर लिखते हैं ना, ये ईयर कौन सा होता है? ड्राफ्ट वाला ईयर होता है, बिल वाला ईयर होता है, पार्लियामेंट वाला ईयर होता है, एक्ट वाला ईयर होता है, प्रेसिडेंट का साइन वाला ईयर होता है, या नोटिफिकेशन वाला ईयर होता है। मैं अभी कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या हर एक्ट के पीछे ईयर होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, आज आपने सोगा पढ़ा ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यस और नो? तो मुझे बताओ ये ईयर कौन सा होता है?
कौन सा ईयर हम लोग यूज करते हैं? जिस दिन ड्राफ्ट दिया उस दिन वाला ईयर यूज करते हैं, बिल बना उस दिन वाला ईयर यूज करते हैं, पार्लियामेंट में गया उस दिन वाला यूज करते हैं, एक्ट बना उस दिन यूज करते हैं, प्रेसिडेंट का साइन वाला या नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वाला, कौन सा यूज करते हैं बताइए? हाँ बोलो बोलो बोलो, गलतियां होगी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जिस दिन नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर है इसके अलावा? हाँ जिस दिन एक्ट बना उस दिन, मोहतरमा बोल रही है जिस दिन एक्ट बना उस दिन, यहां पे बोल रहे हैं कि नहीं जिस दिन नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट आया उस दिन, आगे पीछे यस। हाँ एक्ट बना, चमन मतलब जीजू बोल रहा है एक्ट बना उस दिन, ओके यस बोलो बेटा। प्रेसिडेंट की साइन जिस दिन हुई, बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट का साइन हुआ तब से वो उस साल का ईयर यूज करते हैं। कोई भी साल यूज करो ना सर, इतने छोटे से काम में मेरे को कहां इन्वॉल्व कर रहे हो यार, है ना? कब का एक्ट बना तब तक, ओके बॉडी एनीथिंग, कोई किसी का और आंसर है तो भैया याद रखना जिस साल में वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, उसी साल का वो ईयर यूज होता है। भले ही वो एप्लीकेबल बाद में हुआ होगा, भले ही वो एप्लीकेबल बाद में हुआ होगा, नोटिफिकेशन बाद में आया होगा उसका, जिस साल में प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट नहीं आई एम सॉरी, जिस साल में पार्लियामेंट में वो क्या हो गया, पास हो गया। कहां पास हो गया? वो पार्लियामेंट में, वही साल हम लोग यूज करेंगे। ना प्रेसिडेंट के साइन देखेंगे, ना वो कब से एप्लीकेबल हुआ वो देखेंगे। तो कोई भी एक्ट के पीछे जब ईयर होता है ना, तो याद रखना वो कौन सा साल होता है, जिस दिन पार्लियामेंट में वो पास हुआ है। जिस दिन वो कहां पास हुआ है बोलो ना, पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये तू समझा ना, ये तू समझा ना, पक्का गया सर? एक्ट तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद बन जाता है ना? नहीं बेटा, एक्ट बन जाता है जिस दिन वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2013, मतलब ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ होगा, 2013 बिंदी 2013, फिर 2012 बोलना चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कंपनीज एक्ट लोकसभा में 2012 में पास हो गया, बट राज्यसभा में कब पास हुआ, 2013। तो जब वो दोनों सभा में पास हो जाएगा उस साल का हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट है? चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, देखो आज जनरल डिस्कशन चल रहे हैं हम लोग, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना? कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कुछ छोटी मोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। कंपनी के अंदर, ध्यान से सुनना, कंपनी के अंदर जो पैसा लगाता है वो कौन है? जो पैसा लगाता है वो कौन है? शेयर होल्डर। जो कंपनी को संभालता है, मैनेज करता है, वो कौन है? शट अप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है वो? कौन है भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पैसा किसका है? आशीष सर ने मैनेजमेंट बताया था क्या? हाँ, तो मैनेजमेंट को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, है सर के मुंडे के। हाँ तो पैसा कौन लगाता है बताओ? पैसा कौन लगाया? शेयर होल्डर। और उसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो बात यही हो गई भैया, ये तो बात वही हो गई कि बच्चे आपके हैं बट संभाल कोई और रहा है, जैसे पैसे आपके हैं बट संभाल कोई और रहा है। तो क्या मुझे बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब हमने हमारी कोई चीज दूसरों को दी है तो दूसरों ने सही से संभालना चाहिए ना? हाँ है ना? जैसे अगर अगर मैंने बाइक खरीदी, वो वाली कौन सी? ये ऐसी जिस मतलब जिसमें बैठे तो ऐसा पीछे वाली को मतलब दो फ्लोर ऊपर दिखता है, R15 KTM, वो वाली बाइक खरीदी मैंने। अच्छा मेरी खुद की बाइक है भाई, तो मैं उसको एकदम संभाल के रखूंगा, खुद की है ना, संभाल के, कहीं टच नहीं हुए है ना, कोई ठोके ना। और वही किसी और की होगी तो ऐसे चलाएंगे जैसे उसका आखिरी अंतिम संस्कार ही करना है हमको। तो कहीं ना कहीं यार, जब पैसा किसी और का, संभाल कोई और रहा है, ये तो वही बात है कि तू प्यार किसी और का, अगर तुझे चाहता कोई
दिल पे लगी है मैडम के बात, बोले तू प्यार किसी और का बट तुझे चाहता कोई और है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका पैसा किसी और कोई और संभाल रहे हैं यार, तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन बनने चाहिए ना। एंड फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2030। क्या बनाया हमने बोलो ना, कंपनीज एक्ट 2030। अब आपको एक वर्ड है आपका एक्ट, दूसरा है आपका रूल्स, तीसरा वर्ड है नोटिफिकेशन, चौथा है सर्कुलर। ये चार वर्ड आपने सुने हैं क्या? देखो दो टाइप का सुना होता है, एक सुना सुना, दूसरा सुना सुना, जग सुना सुना लागे। तो आपको कौन सा है, सुना सुना या सुना सुना? हाँ सर, प्यार क्या होता है? वंशिका बोली सर प्यार क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम, कटा है इसका, तभी वेस्ट ऑफ टाइम। वरना अगर नया नया प्यार में होता ना, प्यार वो है, प्यार है ना, नया नया वो निब्बा निब्बी वाला प्यार है ना, वो वाला कि तेरे को देख के मेरे को मेरा दिल खुश हो जाता है, बाद में वही बोलता है तेरे को देख के मेरी खून खोलता है। बट ठीक है बेटा, ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ चलो, सो एक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स का मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और सर्कुलर का मतलब क्या होता है। ये चार शब्द मेरे को थोड़ा समझाना जरा। एक्ट मीन्स वॉट? सर एक्ट तो अभी आपने बताया, एक्ट का मतलब क्या, कानून। या मैं बोल सकता हूं एक्ट बताता है व्हाट इज लॉ। एक्ट बताता है क्या बेटा जी, व्हाट इज लॉ। अगर लॉ क्या है ये कहां लिखा होगा, एक्ट के अंदर। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी वी नीड टू मेंबर, हम दो हमारे 200। प्राइवेट कंपनी के लिए कितने चाहिए, हम दो हमारे 200। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, दो, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। ये कहां लिखा है एक्ट के अंदर। एक्ट हमेशा हमें किसका नॉलेज देता है, लॉ का या किसका, कानून का नॉलेज देता है। किसका नॉलेज देता है बताओ ना, लॉ का, कानून का क्या देता है हमें, नॉलेज देता है। कौन कौन, एक्ट। जैसे हम लोग बोल दिए भैया कि 1% कंपनी है, 1% कंपनी बनाने के लिए एक मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए दो मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर चाहिए। हमने बोल दिया 1% कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये सब लॉ में, ये सब कहां लिखा होता है बेटा, एक्ट में लिखा होता है। बस इस एक्ट को फॉलो कैसे करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। हमने बोला कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर चाहिए, बट ये 7 मेंबर किस तरीके से अपॉइंट करोगे, या किस तरीके से ये लॉ को फॉलो करना है, ये कहां दिया जाता है, रूल्स में। तो रूल्स क्या बताता है आपको, हाउ टू फॉलो द एक्ट। ठीक है, जैसे आशीष सर ने एक तेल खरीदा, हाँ कौन सा बोला, क्या बोल रही है बेटा, वो वाला, कौन सा वो वाला, हाँ आशीष सर को कौन से तेल की जरूरत है, हाँ बोलना मत कि मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, वरना मेरे बाल निकाल देंगे आशीष सर। तो आशीष सर को कौन से तेल की जरूरत है भाई, बाल, उनके बाल क्या है ना, थोड़े कम है, थोड़े मतलब बहुत ही है। ठीक है, कोई ओए कोई जोक नहीं करेगा, बोलूंगा आशीष सर को क्या बोल रहे थे तुम लोग, बताऊंगा आशीष सर को मैं। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी कुछ बात नहीं बताऊंगा, तुम भी कुछ नहीं बताओगे, ठीक है। हाँ सो आशीष सर ने तेल खरीदा किस चीज के लिए, बालों के लिए। अरे बालों के लिए, हाँ बालों के लिए तेल खरीदा कि भाई उन्होंने कहीं ऐड देख लिया कि पहले मैं ऐसा हुआ करता था, ऐड वो कर रही थी अपनी बालों की दुकान, उसके वो पीछे दिख रहा हूं, पीछे एकदम लंबा चोटी मोटा चोटी युक्ता, उसके बाल कहां तक है मालूम, यहां तक। अगर वो बाल खोल देना, 2-4 बच्चे लटक के जा सकते हैं, झूला है ना, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी डेमो दिखाऊंगा तुम्हें। सो ये तेल का एडवर्टीजमेंट करती थी आशीष सर ने, वो तेल खरीद दिया। अब आशीष सर को पता नहीं है तेल लगाना कैसे है,
तो क्या उस तेल के साथ एक पेपर भी आता है, क्रीम के साथ एक पेपर आता है, तेल क्रीम कोई भी खरीदते हो उसके साथ हाउ टू यूज हाउ टू अप्लाई वो आता है ना, वैसे ही तेल है क्या एक्ट और वो पेपर क्या है रूल्स। मतलब एक्ट के अंदर लिखा होता है क्या फॉलो करना है, रूल्स बताता है कैसे फॉलो करना है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं एक्ट के साथ साथ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, हाँ है ना। एक्ट बताता है क्या फॉलो करना है और रूल्स बताता है कैसे फॉलो करना है, तो क्या एक्ट के साथ हमको रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। यस, सो कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद द रूल्स, उसके साथ क्या पढ़ना है बेटा आपका, रूल्स भी पढ़ना है। चलिए बहुत है। तीसरा है नोटिफिकेशन, कौन सा नोटिफिकेशन, आई मीन टू से नोटिफिकेशन। क्या लॉ टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है, यस और नो? पहले प्राइवेट कंपनी में 50 ही मेंबर हुआ करते थे, अब कितने हैं 200, तो क्या लॉ में बदलाव आते रहता है? अच्छा, छोटे से बदलाव के लिए पूरा लॉ बदल दो, छोटे सा बदलाव करना है उसके लिए पूरा लॉ बदल दो, पूरा लॉ बदलोगे या उसी में चेंज लाओगे? तो चेंजेस आता है जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, क्या बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो चेंजेस इन लॉ किसकी वजह से आता है, नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है बेटा, नोटिफिकेशन। तो पहला क्या आ गया एक्ट, फिर क्या आ गए रूल्स, फिर क्या आ गया नोटिफिकेशन। एक्ट में क्या लिखा होता है, व्हाट इज लॉ, क्या फॉलो करना है, ये कहां लिखा होता है एक्ट में, कैसे फॉलो करना है ये कहां लिखा होता है रूल्स में, और अगर कोई बदलाव आए हैं, अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो कहां लिखा होता है नोटिफिकेशन में, कहां लिखा होता है बेटा नोटिफिकेशन। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना है, क्या देना है कोई एक्सप्लेनेशन, तो वो किसके थ्रू आता है सर्कुलर के थ्रू, किसके थ्रू आता है सर्कुलर के थ्रू, यस और नो, यस और नो, है ना। और ये तो सर हमें क्या एक्ट भी पढ़ना है, जी बिल्कुल। सर रूल्स भी पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल। सर नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना है। साथ में क्या सर्कुलर भी देखना है, हाँ जी बिल्कुल देखना है। अलोंग विद दैट हमको देखना है क्या केस लॉज। सर चैप्टर कौन सा है, चैप्टर कोई भी स्टार्ट ही नहीं किया अभी तो इंट्रो चल रहा है, ठीक है ना। साथ में क्या देखना है हमको केस लॉज, केस लॉज मतलब कि भाई इस प्रोविजन के रिलेटेड कोई अगर एनसीएलटी या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होगा तो वो भी हमें देखना है। समझ में आ रहा है, तो बताइए सुनो ये सारी चीजें हमें कहां पढ़नी है भाई साहब, कहां पढ़नी है बोलो ना, शी लॉ में, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। एक्ट भी पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013 उसके रूल्स पढ़ने, नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते रहते हैं वो भी हमें देखने, और सर्कुलर एक्सप्लेनेशन आते हैं वो भी हमको देखना है। अलोंग विद दैट हमें कुछ क्या पढ़ने हैं केस लॉज। चले ठीक है, अब देखना बुक का मारना है तेरे को। आपको बताएं सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, जो मोबाइल में अवेलेबल नहीं है बेटा मोबाइल रख दो यहां ध्यान दो, हां सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कौन है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है अगर गवर्नमेंट को, तो वो सर्कुलर के थ्रू दे देती है। अच्छा, सबसे सुप्रीम जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी मतलब सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स के लिए जो डिपार्टमेंट है वो हमारा कौन सा है, MCA, दैट इज व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जब भी आज हम कंपनी लॉ में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट सुनेंगे तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट सुनाई देगा या MCA सुनाई देगा, तो MCA इज नथिंग बट द व्हाट डिपार्टमेंट जो कंपनीज रिलेटेड मैटर को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उसके रिलेटेड मैटर को देखता है। तो जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड सुनेंगे तो वो क्या होगा, MCA। जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड सुनेंगे वो क्या होगा बेटा, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, MCA के नीचे है रीजनल डायरेक्टर, क्या है बेटा रीजनल डायरेक्टर। जैसे आपने पुलिस स्टेशन का हद होता है कि भाई ये एरिया इस पुलिस स्टेशन में आता है,
जैसे आपकी अगर यहां से लेट से चड्डी चोरी हो गई तो आप क्या आपके गांव में जाके कंप्लेंट करोगे कि पुणे में मेरी चड्डी चोरी हो गई, कि इस एरिया के पुलिस स्टेशन में करोगे, इस एरिया के पुलिस स्टेशन में करो, बराबर है? तो पुलिस स्टेशन का भी हद होता है। वैसे ही हमने यहां पे क्या कर दिया है, रीजनल डायरेक्टर्स बना दिए हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, है ना, साउथ रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए, अलग अलग हमने क्या बना दिए हैं, रीजनल डायरेक्टर बना दिए हैं। और रीजनल डायरेक्टर के नीचे जो लोग काम करते हैं, दैट इज व्हाट बेटा आपका आरओसी मतलब कौन, रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी मतलब कौन बेटा आपका, रजिस्टर ऑफ कंपनी। सो देखो दोस्तों, सबसे ऊपर कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन, एमसीए, है ना। उसके नीचे कौन आ गया बेटा आपके, रीजनल डायरेक्टर। कौन आ गया बेटा, रीजनल डायरेक्टर मतलब जिनको क्या डिवाइड करके दे दिया है हमने, एरिया डिवाइड करके दे दिया है कि इस एरिया को आप देखोगे, साउथ एरिया को आप देखोगे, नॉर्थ एरिया को आप देखोगे, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के नीचे कौन है, आरओसी, दैट इज व्हाट, रजिस्टर ऑफ कंपनी। रीजनल डायरेक्टर कुल मिला के इंडिया में अपने हैं कितने, 7। रीजनल डायरेक्टर कितने इंडिया में, 7। सर आरओसी जो है ये, इसका काम क्या होगा, तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कौन होगा, आरओसी, दैट इज व्हाट, रजिस्टर ऑफ कंपनी। नॉर्मली हर एक स्टेट में एक आरओसी है, नॉर्मली हर एक स्टेट में क्या है, एक आरओसी। जैसे लेकिन महाराष्ट्र में दो है, एक आरओसी मुंबई, दूसरा आरओसी पुणे। चेन्नई में भी दो है, मतलब तमिलनाडु में भी दो है, एक है चेन्नई में और दूसरा है कोयम्बतूर में, आया है ना। सो कहने का मतलब क्या है बेटे, कि नॉर्मली आरओसी एक स्टेट में एक ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र, जैसे आपका चेन्नई, ठीक है ना, मतलब तमिलनाडु, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, आज कुछ ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, कल से विल स्टार्ट हम लोग आपका, पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपका कौन सा, लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर कंपनी, या फिर इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, दोनों में से एक स्टार्ट करेंगे अपन। अच्छा, पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको कंपनी लॉ के लिए। सबसे पहले चीज देखो, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन नोट्स, ठीक है, आपको दिख रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए हुए मैंने, इसमें एक अनोखी चीज जो मैंने ऐड करी हुई है ना, वो आपको देख के मजा आ जाएगा, एक बहुत प्यारी चीज जो मैंने ऐड करी ना, ये पढ़ना क्या लिखा है, कंपनी के अथॉरिटी के बाहर जाके एक्ट करना, मतलब जो आपके व्हाट्सएप की जो लैंग्वेज है ना, नॉर्मली क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम कहां आती है मालूम, प्रॉब्लम कहां आती है मैं बता दूं, कि हम जब खुद से पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसका क्रिस्प अगर हमको एक बार कोई शॉर्ट में समझा देना अपने लैंग्वेज में, तो वो आसान हो जाता है। ये देखो क्या लिखा है, कोई भी एक्ट इफ कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट लॉज के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, वॉइड है, और कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, ये देखो क्या लिखा हुआ। अच्छा, ऊपर से जो केस स्टडी हमको जमता नहीं है, केस स्टडी खुद से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सुना सुना लग रहा है, उसका देखो एकदम शॉर्ट में मैंने, लाल कलर दिख रहा है क्या आपको, कंपनी के एमओए में डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ शेयर्स इशू करने के लिए क्लैरिटी नहीं थी बट एओए में डिस्क्राइब थी, मतलब शॉर्ट में आपको क्या कर दिया यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन। तो जब आप खुद से नोट्स पढ़ोगे तो इट्स लाइक योर बडी, होता है ना कभी कभार हमारे दोस्तों से पूछते हैं यार इसका मतलब समझाना, तो नाउ इट्स योर कंपनी लॉ बॉडी, साथ में जो भी है शॉर्ट में मैंने क्या कर दिया है उसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी भी नहीं बोल सकते, इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन में उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विच विल गिव यू यू नो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। चलिए ठीक है सर, तो पहले तो हमने क्या पढ़ना है भाई साहब, मेन नोट्स। अच्छा, दूसरा आपने भाई देखो मेरी बात सुन लो, आपको एक 300 पेजेस का एक नोटबुक बनाना है। कितने पेजेस का नोटबुक बनाना है,
300 पेजेस का नोटबुक बनाना है सर। 200 बनाएंगे तो दो बनानी पड़ेगी, 300 बनाएंगे तो एक में हो जाएगा काम। 300 पेजेस का आपको क्या बनाना है बेटा, बुक बनाना है। और इस बुक के अंदर मेरी जान पान की दुकान, 300 पेजेस के बुक के अंदर मैं आपको क्या दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज आपके नोटबुक में होगी। मतलब बिलीव मी और नॉट, ये जो 300 पेजेस होंगे ना, ये आपको सबसे ज्यादा प्रिय होंगे। अगर ये घर वाली है तो ये बाहर वाली है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा दूसरों का ओपिनियन है वो मैं बता रहा हूं। ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, बाहर, ठीक है। सो दिस इज वॉट हैंड रिटन नोट्स है ना, ये आपको मैं देते हुए, मैं लिखते हुए चलूंगा। आपने 200 बोला था, हाँ लास्ट टाइम 200 बोला था, लेकिन 200 कम पड़े इसलिए इस बार 300 कर दिया। तो कितने पेजेस, 300 पेजेस, बहुत बढ़िया। तीसरा, थर्ड वन, आपको एक दी जाएगी क्या बुक बेटा, केस स्टडी बुक, जिसका नाम है समाधान। क्या नाम है बेटा, समाधान। ये देखो मैं दिखा दूं आपको, सब दिखा देता हूं, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इसको मैं रिवाइज करूंगा अभी, तो आपको एक 15 दिन में मिल जाएगी। प्रतीक मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। ये देखो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है। क्या दिए हमें, सारे के सारे क्वेश्चन, आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं वो सारे इसके अंदर है, न्यू सिलेबस के हिसाब से, मतलब 2017 के बाद के हिसाब से। देन उसके बाद जितने सीए फाइनल वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, सीए इंटर के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इस बुक में डाले हुए हैं, और कुछ रेफरेंस केस स्टडी मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। तो तीसरा बुक जो हमें रेफर करना है वो क्या बुक करना है, समाधान। तो ये तो रेडी है, ये सब तो रेडी है, ये तो मैं लिखवा के दूंगा हैंड रिटन नोट्स है ना। ये भी, इसका भी आपको डेमो दे देता हूं, देखो बच्चों ने कैसे लिखे हुए हैं, ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सब हैंड रिटन नोट्स में लिखवा के देता हूं। ये तो प्रोफेशनल का है, लेकिन ऐसे आपका एग्जीक्यूटिव का भी पूरा हैंड रिटन नोट्स लिखवाता हूं मैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी बेटा इसका। फोर्थ वन, ये तीनों तो रेडी है अभी, मतलब ये काम है अपने पास। चौथा, मैं इस बार जो नया बना रहा हूं, जिसपे अभी करेंटली आई एम वर्किंग, दैट इज वॉन्ट बेटा आपका चार्ट बुक। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स है ना। कितने महीने लगेंगे, 4 महीने। जब मैं ये केस स्टडी बनाया था ना, तो मेरे को कितने महीने लिखे थे, 6 महीने। एग्जाम दिसंबर में, तब तक उसके 2 महीने पहले मिल जाएगी तुमको। तो चार्ट बुक अभी थोड़ी पढ़ते हैं, चार्ट बुक पढ़ते हैं एंड में जब समराइज करना होता है। वो अगर बन भी गई जल्दी तो भी एग्जाम के 2 महीने पहले ही दूंगा बेटा, है ना, पहले नहीं मिलेगी। नहीं, फिर पहले चार्ट बुक दे देते ना, तो हम क्या करते हैं, चार्ट से पढ़ना चालू कर देते हैं। वो आग लगे, वो मेन नोट्स गया तेल लेने, हैंड रिटन नोट्स गया तेल लेने, वो पढ़ना चालू करते हैं, तो वो मिलेगा एंड में, ठीक है। इट्स करेंटली आई एम वर्किंग। तो ये 4 आपको मेनली क्या करना है, रेफर करना है, करेक्ट है सर। जिस नोट से सभी फैकल्टी पढ़ा रही है वो कहां मिलेंगे, वो यूनिक के वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं मिलेगी, पीडीएफ ही मिलेंगे, हाँ, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिलेगी, फेस टू फेस वालों को एकदम हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए, सो विल स्टॉप फॉर द डे, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। 300 पेजेस की लाइन वाली नोट्स लेनी पड़ेगी, रुक जा इसको लिख लेता हूं, यूपीएससी के एग्जाम में आएगा तेरी सासू। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी या। कल मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अच्छा सुनो, कल के डेमो लेक्चर का टाइमिंग सुन लो, तुम्हारा नॉर्मल जो है वो होएगा ही, 10:30 to 11:30 जेआईजीएल है आपका कल डेमो, 11:30 to 10 बजे से, ये क्या, 10 to 11:30 जेआईजीएल है, 11:30 to 12:45 कंपनी लॉ होगा, और 12:45 to 1:30 आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यस, तुम्हारा अभी स्टार्ट करवा रहे हैं अभी, यस, आज से ही है। चलिए, आज अभी टैक्स का लेक्चर है, 2 बजे अटेंड करना है आपको, और उसके बाद फिर से अपन
2 बजे डेमो है टेक्स का, 2 बजे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।